द फिफ्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोइम ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी इज रियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेंजा, इसको पहले समझिए। थ्रू दिस स्टेंजा पोइट गिव्स एन इंडिकेशन दैट द सोल ऑफ अ पर्सन इज इमॉर्टल। आर लाइफ इज जस्ट लाइक ए स्लीप एंड टू फॉरगेट द प्रीनेटल एग्जिस्टेंस। इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो क्या है? एक स्वप्न है, एक नींद है, नींद के समय आप स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न में सब कुछ रियल लगता है, लगता नहीं लगता? कब पता लगता है कि ये स्वप्न है? तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं सब ड्रीम में ही है, हमको लग रहा सब रियल। व्हेन अ पर्सन डाइज एट दैट टाइम ही रियलाइजेस दैट इट वाज अ ड्रीम। ओके, तो ध्यान से सुनिए। आर बर्थ, हमारा जो जीवन है, इज बट ए स्लीप। ये क्या है? केवल एक नींद है और कुछ नहीं। आर बर्थ ऑन दिस अर्थ इज ओनली ए लाइफ ऑफ स्लीप। इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो केवल स्लीप है, नींद है और कुछ नहीं। एंड ए फॉरगेटिंग, और क्या है? ये प्रीनेटल एग्जिस्टेंस को भूलना, पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या थे, कहां से आए थे, उसको भूलना। द सोल दैट राइजेस विद अस, वो आत्मा जो आज हमारे साथ पैदा हुई है, आवर लाइफ्स स्टार, जो हमारे जीवन का एक सितारा है, हाथ हैड एल्स वेयर इट्स सेटिंग। इस सितारे की सेटिंग कहीं और है, कहीं तो ये सितारा डूबा होगा जो आज हमारे साथ निकले। समझ रहे? इफ द सन डज नॉट सेट इट विल नॉट राइज नेक्स्ट। इफ अ पर्सन डजंट डाई हाउ द चाइल्ड इज बॉर्न, बिकॉज वेन अ पर्सन डाइज द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सोल, सोल रिटर्न्स टू इट्स हाउस, इट अज्यूम्स अनादर फॉर्म एंड देन कम्स बैक ऑन दिस। ओके, तो द सोल दैट राइजेज विद अस, वो सोल जो हमारे साथ आज राइज होती है, आर लाइफ स्टार, जो हमारे जीवन का सितारा है, हाथ हैड एल्स वेयर इट्स सेटिंग, इसकी सेटिंग कहीं दूर हुई है, कहीं तो ये सितारा डूबा है। एंड कम फ्रॉम ए फार, और ये सितारा कहाँ से आया? बहुत दूर से हमारे पास आया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको रीडिंग लगाएं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क।